हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम टू शहरी ब्लॉग। तो भाई आज का न्यू ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं हम। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जगह तो मुझे नहीं पता, लेकिन आउटिंग पे ही जा रहे हैं। और एक खुशी की बात ये भी है, पाकिस्तान से, कराची से जहाँ हम रहते थे वहीं से एक हमारा दोस्त दुबई आया है। 1 तारीख को आया था तो उससे मिलना नहीं हुआ, तो आज उससे मिल भी लेंगे। बाकी वो जहाँ बोलेगा आउटिंग करने के लिए तो वहाँ जाएंगे। रेडी वगैरह हो चुके हैं, बिल्कुल निकलने वाली कर रहे हैं। जाना है बस स्टेशन से, बस लेनी है, उसके बाद मेट्रो जाना है, वही जो हर व्लॉग में होता है। उसके बाद मेट्रो से उसके स्टेशन पे उतरेंगे, बाकी दोस्त से मिलेंगे। उसके आगे जो भी सूरत हाल आपको मिल जाएगी देखने के लिए, पूरा व्लॉग लाजमी देखना। और यहाँ का व्यू भी बड़ा मज़ेदार हो रहा है, चेक करो तुम। ये इन्होंने जो स्ट्रीट बनाई हुई है ना, ऐसा समझ लो रात में लोग यहाँ पर बैठते हैं आगे, और कुछ लोग तो एक्सरसाइज भी करते हैं यहाँ पर ना, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे ही मतलब बनाई हुई हैं। ये चेक करो, व्यू चेक करो, बहुत बड़ा ये। The next station is Shaba Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shaba Realty Metro Station. A few moments later. So, भाई finally हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए। और हमारा दोस्त जो हम जिसकी बात कर रहे थे उसको दिखा देते हैं अब आपको कौन है। पहले भी आपने एक ब्लॉग में देखा होगा इसको, बर्थडे वाले ब्लॉग में मेरे। ये रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। कैसा लग रहा है आपको दुबई में रहना और एंजॉयमेंट करना? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। तो सब बोलते हैं, मैं जो 10 दिन से बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है? सच है, सच है ब्रो, सच है। बोलना आसान है, यहाँ आके फट जाती है इंसान की। बहुत अच्छे, लेकिन हम भी फिर भी ट्राई कर रहे हैं। ये तो है। ये व्यू चेक करो आप, माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू है, पाकिस्तान के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। भाई यहाँ पर हम बैठे हैं मेट्रो स्टेशन पे, और एक सीन हो गया हमारे साथ। जो लड़का हमारे साथ था ना, हमारा दोस्त जो पाकिस्तान था, वो भाई साहब बैठ गया मेट्रो में, जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ था वैसे ही अंदर उड़ गया और मैं बाहर रह गया। अब वो निकल गए और हम यहाँ पर बैठे हुए दूसरी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हुआ सीन। और फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं बुर्ज खलीफा फिर से, लेकिन लास्ट टाइम हम गए थे दिन में, और आज हम जाएंगे थोड़ा सा रात वाला व्यू अलग ही होता है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो व्यू पूरा एंजॉय करना और ये व्लॉग भी, सही है? आ जाओ। आ रहा भाई, तो हम दुबई मॉल के अंदर एक आउटलेट के सामने आए हैं जिसका नाम है लुलु लेमन। अबे लुलु लेमन, दिस इज़ द लुलु लेमन, लुलु लेमन। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं पानी पीने के लिए जा रहे हैं स्टारबक्स। स्टारबक्स में जा रहे हैं, लेकिन अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर दिखाएंगे नहीं। सही है, ओके। भाई तो अभी हम मौजूद हैं मेन बुर्ज खलीफा की पार्किंग के अंदर। हम दुबई मॉल से बाहर आ गए तो हम बुर्ज खलीफा की पार्किंग में घुस गए, और अब यहाँ से हम निकलेंगे बुर्ज खलीफा की पार्किंग में। और तुम्हें एक गाड़ी दिखाता हूँ, चेक करो बस, बेंटली। इज दैट बेंटली? पिक्चर मेरे कलर में
दिस फरारी, इट्स रेंज रोवर, मर्सिडीज, एक से एक ब्रांड की गाड़ियां भाई यहाँ। आगे वाली है जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फाइनली हम लोग मौजूद हैं बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने। ये हमारे साथ हमारा दोस्त है, एक तो इसके अंदर पता नहीं कौन सा देशी दरिंदे का कीड़ा है, बार बार बोल रहा है पिक्चर ले, और जब ले रहा हूँ तो बोल रहा है सही नहीं आ रही, बताओ अब इसकी पिक्चर सही आ सकती है? गजब बेइज्जती है, ये कमेंट में तुम बताना। बाकी तुम्हें मैं व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसा रश हो रहा है आज तो भाई, ऐसा रश हो रहा है क्या बताऊँ मैं। मच्छी बाजार लगा हुआ है, पाकिस्तानियों की लैंग्वेज में यही बोलता है, मैं तो यहाँ आके भूल चुका हूँ अपनी लैंग्वेज, इसको फिर भी याद है तो ये तुम्हें बता रहा है, मैं तो भूल गया हूँ भाई। अच्छा ठीक है, समझ गया। A few moments later. हाँ तो भाई हम आ चुके हैं अपने घर पे वापसी, बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि आज जो हमने घूमा ना यार रात में, अल्लाह माफ़ करे, इतना रश हो रहा था दुबई मॉल में, इतना रश हो रहा था, उसके बाद बुर्ज खलीफा में तो उससे डबल ट्रिपल रश था, घूम घूम के थक गए। उसके बाद फिर वापसी आए, मेट्रो में इशू हो गया था थोड़ा सा, तो मेट्रो बंद करी थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर चल गई। तो आज बहुत सीन ऐसे भी हुए हैं जिसकी वजह से ख्वारी हुई है, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं है, हम लोग कैरियर से घर पे पहुंच गए हैं। बाकी इस व्लॉग को करना है यहाँ पर एंड। तो भाई व्लॉग के लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका भाई आपके लिए व्लॉग बना रहा है हर दो दिन बाद, हर तीन दिन बाद, और आप लोग मेरे को लाइक सब्सक्राइब नहीं दे रहे, ऐसे तो गलत बात हो जाएगी ना भाई, ये तो करना पड़ेगा। खैर जो भी है, इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।